नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं फटाफट 20 खबरों पर। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार जिनपिंग से मिलने वाली में G20 के दौरान होगी मीटिंग, मुद्दा ताइवान का होगा। यूएन में भारत का CAA पर जवाब, ये भारतीयों को नागरिकता देते हैं, उनसे सिटीजनशिप छीनते नहीं। US मिड टर्म इलेक्शन में भारतीय अमेरिकाओं का दबदबा, 23 साल की नबीला शैया संसद से सबसे कम उम्र की मेंबर बनी, प्रमिला जयसवाल की जीत। पाकिस्तान PM साहब आज लंदन पहुंचे, नए पाक आर्मी चीफ को चुनेगा शरीफ कुनवा, नवाज को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी। मालदीव आग में 9 भारतीयों समेत 11 की मौत, बिल्डिंग की में गैरेज में आग लगी, 28 को बचाया गया। ज्ञान व्यापी पर 3 अदालतों में 4 मामलों की सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग के संरक्षण और हाई कोर्ट में ASI से सर्वे का केस। राजीव गांधी की हत्या केस, सभी दोषी रिहा होंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नलिनी रविचंद्रन समेत 6 दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। गुजरात हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले करोड़ों रुपए बरामद, इलेक्शन कमीशन ने दी जानकारी। भारत में ट्विटर ब्लू के लिए 719 रुपए, कई यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल स्टोर पर पॉपअप मिले, ये कीमत अमेरिका से भी ज्यादा। दक्षिण भारत को मिली पहली वंदे मातरम, मोदी ने मैसूर चेन्नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। फिर आमने सामने आए अडानी अंबानी, दोनों कर्ज में डूबे, फ्यूचर रिटेल को खरीदने की रेस में शामिल, 13 अन्य कंपनियां भी दावेदार। लाइफ टाइम हाई के करीब बाजार, सेंसेक्स लगभग 1000 अंक चढ़कर 61,500 के पार पहुंचा, इंफोसिस 4 और नायका 15 चढ़ा। अडानी की एक और बड़ी डील, 1,050 करोड़ रुपए में IOTL के 49.38 स्टेक खरीदे, लिक्विड स्टोरेज के मामले में अब नंबर 1। इंग्लैंड से हार बदलेगी इंडिया की T20 टीम, अगले साल नहीं दिखेंगे ज्यादातर सीनियर खिलाड़ी, हार्दिक को मिल सकती है कप्तानी। संन्यास ले सकते हैं टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी, पांड्या को मिल सकती है कमान। झलक दिखला जा 10 फोटो पे बस तेरा नाम है, गाने पर नौरा और टेरेंस ने किया जबरदस्त डांस, माधुरी दीक्षित ने बजाई सीटी। सिद्धिविनायक के दर्शन करने पहुंचे अमिताभ बच्चन, फिल्म ऊंचाई की सेंसेक्स के लिए की लिया बप्पा का आशीर्वाद, अभिषेक भी साथ आए नजर। जैकलीन की जमानत पर फैसला आज, एक्ट्रेस ने अदालत से कहा था ईडी ने सिर्फ मुझे परेशान किया। ऊंचाई एक्ट्रेस सारिका ने शेयर किया शूटिंग से जुड़ा एक्सपीरियंस, कहा को स्टार से इंटरेक्शन होता है तो इमोशन अपने आप निकलते हैं। 10 साल बाद हिल स्टेशन माउंट सबसे गर्म, जयपुर में 11 साल बाद नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश, 6 शहरों में कोहरा।